जी ये तो है जो कैरेक्टर था उसके लिए फर्स्ट चॉइस था और इनकी फोटो लेके मैं इनको ढूंढना है ढूंढना <laughs> है आपने बिल्कुल ढूंढना आ जाता है जल्दी वो तो मैं कर पाता हूँ लौंडो के लिए <laughs> लौंडे और ये स्लैग है ना दिल्ली का यस yes, दिल्ली के लौंडे भाई और दिल्ली की लौंडिया बड़े बताओ बताओ <laughs> बता, बता। <laughs> बोलो बोलो आप बताओ बोलो बोलो अरे आप अरे आप बताओ अरे आप बताओ

तानो, तानो अब देखो तो सही इसके बीच में से अच्छा मैं देखो यस <laughs> बहुत पेचीदा सवाल है लेकिन बहुत कोई शायद किसी ने पूछा नहीं आज इसके लिए फिर निकालना पड़ेगा कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे हम बात कर ले हाथरस की जैसे हम बात कर ले कुछ ऐसे इनविजिबल एनकाउंटर्स की या गैंग रेप्स या रेप्स जो शायद रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं कि उनकी वो अब हमारे बीच में नहीं रहे एक मिसहैपनिंग हो गई बहुत जबरदस्त एक फिल्म है द यूपी फाइल्स जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड होंगे और उस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नीरज जी कुलदीप जी और आप सबके फेवरेट अनिल जी कैसे हैं आप सब एकदम मैं आपसे जानना चाहूंगी पहले तो कि अनिल जी आपकी फर्स्ट चॉइस थे इस मूवी के लिए जी ये तो है जो कैरेक्टर था उसके लिए फर्स्ट चॉइस था और इनकी फोटो लेके मैं इनको ढूंढा है ढूंढा <laughs> yes, बिल्कुल ढूंढा है हमारे एक बहुत ही अजीज आ, राइटर है हमारी फिल्म के यूपी फाइल्स के राइटर हैं और हम प्रार्थना करेंगे आप सब लोग भी कि उनकी वो अब हमारे बीच में नहीं रहे एक मिस हैपनिंग हो गई बहुत जबरदस्त जिस तरह दिख रहे हैं और बेशक हम बात करें मिर्जापुर की या कल की में तो आपका लुक बिल्कुल अलग ही था जी आप ना एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुके हैं इंडिया के लिए इंडिया के लिए भी नहीं कहूंगी मैं globally globally, globally, ग्लोबली बताऊंगी ग्लोबली आप एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुके हैं तो कुछ पैसे प्रेशर फील होता है कि यार आज तो मैं ये स्टाइल मतलब करने वालों और ये बनेगा ये देखो ओ गॉड ये लड़कों को कॉम्प्लेक्स <laughs> नहीं वो जब कोई ख़ास बात शुरू होती है ना तो जैसे आपके सुंदर से मुख से जो शब्द निकले कि आप मतलब कैसा फील कर रहे हैं ग्लोबली तो फिर मैं थोड़ा सा ये इसको ऑफ कर देता हूँ <laughs> जी

जहन में जो जो उतरता है कि ये क्या होगा ये क्या करता होगा कैसे क्या क्या बात करेगा कुछ चीज़ें तो कुछ कैरेक्टर तो ऐसे होते हैं जो पहले से जैसे अब नीरज जी की फिल्म में जो है कैरेक्टर अब्दुल्ला कैरेक्टर मैंने किया है जी। तो वो थोड़ा सा इन्होंने मुझे बताया था तो मेरे जहन में एक खाका बन गया था कि ये कैरेक्टर ऐसे है और ऐसे होगा तो मैं बहुत मतलब ईजीली मैं उसको प्ले कर पाता हूँ और शायद नीरज जी को अच्छा लगा पसंद आया बहुत बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने मतलब अभी ये हमारी फिल्म देखेंगी तो आप बाकी इनके रोल भूल वही उनके सभी रोल इस तरह के उसी, उसी पे बात, कर। उसी पे बात कर कि ये द यूपी फाइल्स देखेंगे तो इन्होंने जो किरदार निभाया है वो मेरे ख्याल से बेस्ट है तो प्रेशर ऐसा कुछ महसूस नहीं होता मुझे कभी क्योंकि ये गॉड के फजल से मतलब मेरे को मैं जल्दी उसको पकड़ लेता हूँ पिकअप कर लेता हूँ और उसमें अलगता अलगता मतलब उसका डिफरेंस जो रहता है दूसरे कैरेक्टर से अलग वो आ जाता है मेरे को जल्दी से तो वो मैं कर पाता हूँ लॉन्डो के लिए <laughs> <laughs> लॉन्डे और ये स्लैंग है ना दिल्ली का यस yes, लॉन्डे दिल्ली के लॉन्डे भाई और दिल्ली की लॉन्डिया से वो वो डायलॉग याद है आपको उरी फिल्म का कौन सा तुम ठीक है ना चलते हैं ना हाँ। वैसे अभी नाम क्या बताया था इश्क यहाँ छोड़ दे हम इसको काल कहा लगाएंगे इश्क का के सुनो इश्क़ का मतलब इश्क़ आप वैसे ना एक बात बता दूँ माँबी वो विस्की पीने वाली औरतों की ना बात ही कुछ और होती है <laughs> <laughs> मैं उनमें से ही हूँ ओह माय गॉड फिल्म पर वापस बिल्कुल आप तीनों से ही मेरा ये सवाल है आपको क्यों जरूरत लगी द यूपी फाइल्स लोगों के सामने आनी चाहिए देखिए क्या है इस समय जो अपने प्रदेश की हालत जो उत्तर प्रदेश की थी वो बहुत ख़राब थी और गुंडा राज और भूमि माफ़ियाओं और ये करप्ट पॉलिटिशियन इतना खराब प्रदेश था कि उसकी हालत बहुत ख़राब थी तो हम लोग ये मैसेज देना चाहते थे कि अपने जो पॉलिटिक्स जो है इतनी ख़राब क्यों है तो प्रदेश में एक जो बिगड़े प्रदेश में एक अच्छा मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए तो वो हमने एक मैसेज दिया है जो सारे प्रदेश वालों को उससे इंस्पायर होना चाहिए चेनबे और ये सोच हमारे फादर की थी सिर्फ इंटरटेनमेंट 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 भी है तो लेकिन ये जो हमारा ये मीडिया है बहुत स्ट्रांग मीडिया है इसके थ्रू अगर हम कोई चीज़ बताना चाहें तो जागरूक पब्लिक हो सकती है तो इसके लिए हमने इंटरटेनमेंट के साथ इसमें रियलिस्टिक और एक मैसेज जो है वो देने की भी कोशिश की है फुल इंटरटेनमेंट में Uh, क्या रियल पिक्चर के जो हीरो होते हैं वो आर्टिफिशियल हीरो होते हैं है ना लेकिन जो है इस तरह के जो जिनसे सी एम से हम इंस्पायर होके ये फिल्म बनाए हैं ये लोग रियल हीरो हैं और देश को ऐसे ही सी की ज़रूरत है जब तक ऐसे सी ऐसे पी नहीं आएंगे तब तक हमारा देश जो है आगे नहीं बढ़ेगा राम राज्य नहीं आएगा तो इसके लिए हमको ये भी ज़रूरी है कि पब्लिक को अवेयर करना है जो इतना लोगों का पॉलिटिक्स से मन हट गया है और पॉलिटिशियन कुछ भी अपनी मनमानी करते हैं आज तक तो इतना सत्तर साल पचहत्तर साल हो गया है लेकिन अभी भी आज पीने की पानी लोगों की साफ पानी नहीं है पीने को तो मतलब टू मच है ये तो ये सब भी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के अलावा थोड़ा सा रियलिस्टिक भी हमें जाना चाहिए अपना देश को कैसा आगे बढ़े अपना प्रदेश कैसे तरक्की करे उसके बारे में भी सोचना चाहिए पब्लिक को अवेयर करने के लिए और इस यूपी फाइल को मैं चाहता हूं कि हर प्रदेश का सीएम अपने देश का हर पीएम और हर एमएलए एमएलसी को पिक्चर देखनी चाहिए और उनको पिक्चर देखने के बाद अपने ऊपर शर्मिंदगी आनी चाहिए कुछ सीखना चाहिए और अपने अपने प्रदेश के लोगों का उद्धार करना चाहिए और अपने प्रदेश को सब कंपटीशन होना चाहिए हर राज्य में कि हमारा राज्य नंबर वन ये शर्मिंदी हर सीएम को हर पीए मतलब हर एमएलए को हर एमपी को हर एमएससी को बिल्कुल ये देखनी चाहिए पिक्चर और सीखनी चाहिए सर मैं ये जानना चाहती हूँ जब मैंने ये ट्रेलर देखा इस फिल्म का तब तो मैंने कमेंट्स भी साथ साथ पढ़े और शायद ये बहुत वाजिब सवाल है ऑडियंस का उनका कहना यह था कमेंट्स में आप लोग भी देख पाएंगे उसमें था जो भी यूपी में हुआ है बेशक हम अच्छी बात करें या बुरी बात करें काफ़ी चीज़ें घटित वहाँ पर हुई हैं और काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट से संभाली भी गई हैं जो काबिल तारीफ भी है लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे हम बात कर लें हाथरस की जैसे हम बात कर लें कुछ ऐसे इनविजिबल इनकाउंटर्स की या गैंग रेप्स या रेप्स जो शायद रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं तो क्या इन सब पर भी इस मूवी में बात की गई है बिल्कुल की गई आप आप वही देखेंगी तो आपको ये सारी समस्याओं का कैसे समाधान एक सीएम करता है और इस आ, अपने प्रदेश में सिर्फ संविधान के हिसाब से चलाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को फिट करने के लिए वो पूरा उसमें कोई भी उसको रोकता नहीं है और कोई टोकता नहीं किसी सुनता नहीं इसीलिए हमारे एक फ़िल्म का एक बहुत बड़ा डायलॉग है जो मूल मंत्र है जो बाबा साहब के संविधान के ऊपर बोला है उन्होंने हर बार वो पूरी पिक्चर बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर नए एक इंच इधर नए किंच इंच उधर मतलब ये बैड पॉलिटिशन जो भूमि माफिया जो गुंडा है जो गर्दी है जो इतना वहाँ पे है जो आप नाम ले रहे रेपिस्ट इनके लिए ये बहुत बड़ा डायलॉग है और ये खौफ ये डर हर बुरे आदमी में होना ही चाहिए बिल्कुल अनिल जी मैं आपसे अगर जानूं आपने अपने करैक्टर को प्ले करने के लिए क्या प्रेपरेशन आपकी रही है और जिस तरह की ये फिल्म है पॉलिटिकल ड्रामा है तो काफी कंट्रोवर्शियल भी है कहीं कही ना कहीं तो कैसे प्रिपेयर किया आपने आपको आपने मुझे ज्यादा कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि हाँ, आपको है नहीं ये तो है, है। <laughs> आदितो प्रिपरेशन जो है वो नीरज भाई ने ही करली कास्ट करके जी मुझे कास्ट किया तो मतलब <laughs> वो कैरेक्टर इनका भी कहना यही है कि मुझे मिल गया मेरा एक जो अब्दुल्ला है जो कैरेक्टर मेरा जी। है तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये है कि जिस तरीके का उसमें आप मुझे देखेंगी तो उसमें ज़्यादा प्रिपेयर करने वाली मुझे कुछ ऐसी बात नहीं लगी क्योंकि मैं और भी जो कैरेक्टर में करता हूँ तो उसमें भी बस मैं समझने की कोशिश करता हूँ कैरेक्टर क्या कहना चाहता है और फिल्म की पूरी जो एक जर्नी है उसको मैं समझता हूँ और जो कैरेक्टर जो किरदार मुझे मिलता है उस पर काम करता हूँ गहराई से सोचता हूँ और डायरेक्टर से भी मैं ज़्यादा मतलब मेरी कैरेक्टर को लेके बहुत कम वार्तालाप होती है नीरज जी से भी मेरी <coughs> कोई ज़्यादा बात नहीं हुई कैरेक्टर <laughs> बड़े <हुणी विटा। laughs> हम लोग जितने भी हैं जितने भी आपको अभी देख रहे हैं मुझे क्या बोलने वाली हुआ हाँ. बताओ बताओ बोलो बोलो आप बताओ बोलो बोलो अरे आप बताओ <laughs> अरे आप बताओ <laughs> <अरे आप> बता। <laughs> <अरे> बता। <laughs> जैसे हम लोग हैं जो आजकल मीम्स बहुत ज्यादा शेयर करते हैं मैं बोलने वाला था आप खुद अपने मीम शेयर करते हो किसी को अगर बोलना हो तो बड़े हरामी हो मुझे ना? तो मुझे तो घर से बात निकलती है मुझे बोलने पड़ते हैं डालोगे मतलब आप जैसे लोग मुझे देख के जितने ये पी यंग हाँ, बच्चे हैं और बड़े भी बूढ़े भी कई बार देखते कहते हैं अबे बोलती ज्यादा आपकी और ये अरे अरे वो अरे वो जरा लाला बड़े बेटा फिर वो मोबाइल शुरू हो जाते हैं टप टप

तो मतलब आपका प्रोफेशन ऐसा है ना लोगों हाँ, से बातचीत करना और तो फिर भी लेकिन मैं मतलब मैं थोड़ा सा बैकफुट पे खेलता हूँ ज्यादा बैकफुट बैकफुट पे जो क्या है <laughs> बॉल बड़ी थोड़ा टाइम और मिल जाता है खेलने के लिए ना फ्रंट पे जाओगे तो पता लगा <laughs> वो स्निक में अपना निकल गया आपने कट्टी मार दी वो पकड़ लिया इसलिए बैकफुट पे टाइम मिल जाता है हां बैकफुट पे आता हूं ये ये भी लॉन्डो को सीक्रेट पता चल जाएगा कि बैकफुट पे रहना चाहिए ये लॉन्डो दिल्ली के लॉन्डे न रहेंगे ये बैकफुट पे वो तो फ्रंट फुट पे खेले ओटीटी <laughs> पे भी हमने आपको देखा हमने आपको फिल्मों में भी देखा थिएटर थे, रिलीज में <laughs> सबसे ज्यादा मजा आपको किस में आता है एज एन एक्टर अगर आप पूछें तो मुझे तो आ, हर जगह मजा आता है हर जगह बैकफुट पे तो आता ही है मजा क्योंकि देखिए चाहे ओ हो चाहे फिल्म हो चाहे थिएटर हो थिएटर में ज़्यादा मजा मज़ा आता है लेकिन हर जगह मुझे तो भाई हंड्रेड परसेंट तक जाने की कोशिश करनी है अपने काम में तो मज़ा किस में ज़्यादा और कम आता है वो तो आ, मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं तो पूरा हंड्रेड परसेंट करने की कोशिश करता हूँ रही बात कि बड़े बड़े पर्दे पे और ओ पे जो है वो आ, मतलब इतना जरूर है कि मतलब ये छोटा जो है ओ टी टी जो है वो सब तक उसकी रीच ज्यादा है हाँ। पहुंच जाता है जल्दी और बड़े पर्दे में बहुत सारे लोग नहीं देखते फिल्म जाके आपकी कोई ऐसी कोई ड्रीम गर्ल है कि हाँ इसके साथ मुझे एक बार पर्दे पर रोमांस कर उसी से मैं बात कर रहा हूँ और मैं बहुत कई बार मैंने आ, आ, को, आ, को, आ, को, मैं दिल गया, दो गया दो। बना। कानो, कानो हाँग बना। हाँग बना। हमें अब देखो तो सही इसके बीच में से अच्छा मैं देखू क्या बात भाई मेरा तो दिन बन गया मैं जा रही हूँ हो गया इंटरव्यू ऐसे नहीं चलेगा यार पर्दे पर रोमांस जरूर करूंगा एक बार देखिए वो पर्दे पर्दे की बात जहां तक है और और ड्रीम गर्ल दो दो चीजें होंगी ना ड्रीम गर्ल और पर्दा रोमांस तीन होगी तो इनमें से जो रोमांस बहुत जरूरी है वो और ड्रीम गर्ल वो एक ही है जो मैं लाइफ में कर चुका हूँ <laughs> वो है मेरी वाइफ नंदी ये तो सेफ खेल गए ये तो सेफ खेल देखो गए। थोड़ा दाए <laughs> से निकलना <अगे> है <laughs> <laughs> अभी घर जाना इसलिए बोला जा ना 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 वैसे शाम को तो हम चल रहे घबरा क्यों रही हो? हाँ, नहीं नहीं आपके साथ, तो बाकी लोग न, मैं आपके साथ चलूंगी तो पहले पैसा देखते हैं अपने साथ लोग देखते हैं कि कौन कौन सी कास्ट है यह सबसे पहले हाँ किस बेसिस पे आप करते हैं बहुत पेचीदा सवाल है लेकिन बहुत कोई शायद किसी ने पूछा नहीं आज तक इसके लिए फिर निकालना पड़ेगा क्योंकि देखिए पैसे की बात जहाँ तक है तो पैसा भी देखना पड़ता है और रोल भी देखना पड़ता है और किन के साथ कर रहे हैं आप वो भी देखना पड़ता है लेकिन उसके पीछे एक जो कलाकार रहता है छुपा हुआ और फिर एक और चीज़ है सिचुएशन क्या है आपकी क्या सिचुएशन है और हालात क्या हैं आपके देखिए मैं साफ खुल के बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि आपको फाइनेशली आप मना नहीं कर पाते जी। कि ठीक है हाँ भैया अच्छा पैसा मिल रहा है तो मैं कर रहा हूँ और फिर ऐसे ज़िंदगी की बात है ये तो जैसे जैसे हालात सुधरते हैं तो हम चॉइस करने लगते हैं पहले हम दाल रोटी खाया करते हैं फिर बोलते हैं हाँ। कि यार पनीर मिल जाता थोड़ा सा हाँ। तो पनीर मिलने लगा फिर सोचते हैं यार कुछ और हो जाए कुछ अच्छा नॉन हो जाए जो नॉन खाते हैं उसके बाद नहीं यार ये इसमें थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा यार क्रीम पे चलते हैं है ना <laughs> तो ये सेम वही बात है मुझे हाँ। मतलब मैं तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्व तो देता हूँ कि जो किरदार अगर मुझे मिल जाए करने के लिए अगर गहराई से सोचा जाए तो वो किरदार सब कुछ दे देता है आपको है हाँ। हाँ। हाँ ना हर चीज़ मिल जाएगी आपको चॉइस भी मिल जाएगी किन के साथ काम करना है अगर आपने कुछ कर दिया तो जैसे लाला ने कुछ कर दिया आपके लिए <laughs> और कलकी ने कुछ कर दिया और इसमें हाँ, जो हमारी फिल्म आने वाली है इसमें भी होने जा रहा है कुछ अच्छा कल की में आपने बिल्कुल शेव करा लिया था तो आपको थोड़ा हल्का हल्का फील हो चल रहे थे ना आप, हाँ, हाँ है ना? ये डिमांड पे है किसी की डिमांड पे स्माइल बता रही है ये डिमांड पता है किसकी ये आप जैसे लो, लोगों की है जो न्यू जनरेशन क्योंकि उनको दाढ़ी पसंद आती है हाँ। बहुत और बहुत सारे लोग जो नए जो नए बच्चे ना हमारे आ, आ, जानने वाले आसपास के सब एक बारी मैंने कटवाई थी किसी काम के लिए कर, अंकल ये क्या करवा दिया आपने अंकल दाढ़ी क्यों कटवाई आपने मैंने कहा यार काम था इसलिए कटवा दी तो अभी जब मैंने इस बारी कटवाई ना कल के लिए तो बार बार फिर लोग पूछें कि अरे यार ये क्या क्या

अच्छा आपको कोई फीमेल फैंस अगर जो आपकी हैं सबसे मतलब कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या लगा जो आज तक याद है आपको और वो फीमेल फैन तो याद ही होगी जो मुझे लग रहा है सामने बैठी तो याद कैसे नहीं होगी बताओ <laughs> देखो ये शरारती वाली बातें मत करो नहीं नहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं अभी डेट पे तो जाएंगे ऑन रिकॉर्ड में भाई सब सुन रहे हो अगर <laughs> इसने जरा सी भी बीच में कुछ गड़बड़ की गड़बड़ कैसी गड़बड़ मतलब ये कह दिया कि मैं बिजी हो गई ये हो वो, हो वो नहीं नहीं जब हां बो, बोल चुके हैं तो फिर सर ऑन कैमरा बोलना पड़ेगा आपको एक नई फिल्म बना रहे आपके और मेरे लिए हाँ ये ऐसा मोटा कुछ करो ना यार वो तो मैं कर दूंगा ठीक है कर लो बात बोल दो देखो <laughs> <laughs> कितना प्यारा है ना बोल दे बिल्कुल पहले यूपी फाइल्स कैसे जाती है बिल्कुल वो कर तो, लेंगे, तो लिखा हुआ अच्छी जाएगी वेरी गुड थैंक यू वेरी तो फिर पक्का कर लेंगे। अब ऑडियंस आपको इतना प्यार दे रही है ट्रेलर को इतना प्यार मिला तो फिल्म को नहीं मिलेगा तो पक्का कर लेंगे पक्का करेंगे निरज जी अब, अब आपने आपको ध्यान रखना आप है आप हैं अब यूपी फाइल से पैसा आई आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा ना देखिए आप जो भी बात कर रहे हैं दोनों भाई हीरो और हीरोइन को मत भूल जाना कहीं आ, ना। 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 आपने एक तिसक तिसक आए दोनों नहीं 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 आप लोग देखिए जो नहीं ऐसे कोई फीमेल फैन आपको याद है जिससे आपने कुछ यादगार पल बिताए हो कैमरा इधर भी होना चाहिए था ना ये जो अच्छा, कुछ भी। क्या बात है? देख रहे हैं आप, रहे, आप भी आ जाओ ना इधर काफी नहीं हूं <laughs> 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 ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है आपने फिर दो बार आप घुमा चुके हैं ये क्वेश्चन अच्छा दोबारा फीमेल फैन बहुत है बहुत है तभी घुमा रहे थे दो बार हा? अब मैं आपका आपने मार सकती इतनी हाँ मारो ना <laughs> नहीं सही में पॉइंट पे मारना जब आएगा सच में बहुत है और अब भी मुझे अभी जब हम फिल्म देखने गए थे hmm. आप निकल गए तो बाहर मुझे एक कपल मिला उनकी कोई एज होगी फिफ्टी के आसपास और उनकी शायद फोर्टी टू जो फीमेल थी लेडी थी तो वो आई दौड़ती हुई मेरे पास कहने लगी कि ऐसे ऐसे मतलब शिवरिंग कर रही है मैंने क्या क्यों? अरे सर 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 वो कह रही आपको हमने देखा उसमें मिर्सापुर में कह रही सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं आपको देख रही हूँ और सर देखो ये देखो, देखो मेरे खड़े हाँ और कह रही कह रही आज मुझे नींद नहीं आएगी और मुझे नींद नहीं आएगी मैंने कोई बात नहीं मैंने कहा आपको नींद आ जाएगी मैंने कहा ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनके जो हस्बैंड करते हैं मैंने कहा आप मेरा नंबर ले लो इनसे मेरी बात करा दी मैंने कहा नींद आ जाएगी <laughs> मतलब मजाक चल रहा था ये तो ऐसे 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 मतलब फैंस बहुत है बहुत है बहुत है सच्ची बता रहा हूँ आपको बहुत है और जो ऐसे सच्चाई से बोलते हैं ना आके वो शायद लोगों तक पहुँच नहीं पाता क्योंकि वहाँ कैमरा नहीं लगा होता और वो कोई और बताने वाला भी नहीं होता वो हमारे जो राइटर आपने मिलवाया था ना वो उनसे पूछना वो बताएंगे को? जो नए तो ये ये बहुत है बहुत है तो अब आपने जैसे रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों की बात करी तो घर में अगर हम बात करें तो अनिल जी क्या कैसे हैं क्या वो सॉफ्ट स्पोकन हैं क्या वो मिर्जापुर वाले लाला हैं है? क्या <laughs> वो शायद रह नहीं पाते होंगे वाइफ की वजह से नहीं 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 मेरा <laughs> घर का जो माहौल है ना वो इतना प्यारा इतना मतलब सुखमय है क्योंकि हम बहुत ही प्रेयर करने वाले लोग हैं हमारे घर में प्रार्थना होती रहती है हमेशा ही सुबह उठते ही हम लोग ना थोड़ा म्यूज़िक लगा देते हैं म्यूजिक और आपस में बात भी वही करते हैं और कोशिश हमारी ये रहती है मेरी वाइफ़ की बेटे की बच्चों की कि हम अपनी तरफ से किसी का क्या भला कर दें क्योंकि मेरा मानना ये है लाइफ को लेके कि जैसे जब मैं देखता हूँ ना बहुत सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी धोखा दे रहे हैं कुछ भी किसी की कहीं तो मेरे मन में एक बात आती है कि मैंने कहा यार ये क्यों कर रहे हैं सभी लोग ऐसा तो मुझे मैंने मेरा एक तकिया कलाम है कि ये लोग शायद यहाँ रहने के लिए आए हैं इस धरती पे ये लोग रहने के लिए आए हैं और मेरा मानना ही है मैं जिसको हमेशा याद रखता हूँ कि मैं इस धरती से जाने के लिए आया हूँ मैं जाऊँगा एक दिन यहाँ से और जिसको ये पता है कि मुझे जाना है वो शायद जल्दी से कोई गलत काम करेगा नहीं किसी से तो इस तरीके का मेरा सोचा और घर में बहुत बहुत हंसी मजाक करता रहता हूँ बहुत ज़्यादा खुश रहते हम लोग <laughs> खुश रहना भी चाहिए और जिस तरह आपने बात करी ये बहुत पॉजिटिव नोट है हुँ. जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है या जितने भी फैंस आपके हैं और हम बहुत खुश हैं कि इस तरह की फिल्म्स बन रही हैं और इस तरह की फिल्म्स आ रही हैं ताकि लोगों को सच्चाई कहीं ना कहीं yes. पता चलनी चाहिए और वो ऐसी फिल्मों के ज़रिए पता चल रही है तो हम बहुत खुश हैं द यूपी फाइल्स आ रही है छब्बीस जुलाई को तो okay. क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस को छब्बीस जुलाई को जाके अपने नज़दीकी घर में पिक्चर को देखिए उससे कुछ सीखिए और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल लाइए अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए अपने मत का सही सदुपयोग कीजिए धन्यवाद यूपी पी फाइज मैं यंग जनरेशन से एक बात कहना चाहता हूँ कि फ़िल्म देखिए और सारी देखिए जो भी आप देखते हैं लेकिन एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करें उनसे बहुत प्यार करें क्योंकि पेरेंट्स बड़े प्यार से हमें हमारे लिए सब कुछ करते हैं आपके लिए कर रहे हैं तो उनको आजकल ये इस चीज़ से महरूम मैं देख रहा हूँ बहुत सारे घरों में तो उनकी बहुत इज्जत करें आप बहुत इज़्ज़त करें प्यार करें क्योंकि कल को आपको भी पेरेंट्स आप ही बन जाओगे तब वो चीज़ें आपको याद आएंगी तो ज़रूर आप मेरी इस बात को मानिए और अगर नहीं मानोगे तो मैं आपको बोल दूँगा कि बड़े खराबी हो भाई For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.